इकाई के मुकाम पर नौ है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इकाई दहाई सैकड़ा। अब हम इसकी जमा करें, नौ, नौ में हमको तीन जमा करना है बेटा, अपनी नौ उंगलियां निकालेंगे उसमें तीन उंगलियां जमा करेंगे। अब गिनो आपकी उंगलियां कितनी है बेटा, नौ में तीन जमा करें तो दस ग्यारह बारह, ठीक है, बारह, बारह के दो। और हमारा हासिल का ये जो ऊपर का जो डब्बे है इसके अंदर अपन हासिल करेंगे, हासिल का आया एक। अब हमारी ये इकाई की जमा हो गई, अब हम लोग दहाई की जमा की तरफ बढ़ने वाले हैं। आठ, आठ में हम दो जमा करेंगे, अपनी आठ उंगलियां निकालो बेटे और उसमें दो उंगलियां और निकालो। अब पूरे उंगलियों को गिनो कितने हुए अपने, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, क्या हुआ दस जवाब मिलेंगे, नहीं, जब तक एक नहीं मिलाएंगे बेटा हमारा जवाब सही नहीं होगा। हालांकि हमारा आठ और दो दस जवाब आ गया, लेकिन हासिल का जब एक मिलाएंगे बेटा तो दस और एक ग्यारह, ग्यारह का हमने एक लिखे, फिर हासिल का हमारा एक आया तो हमने यहाँ पर एक ही लिख ली। अब हम सैकड़े की तरफ पढ़ेंगे बेटा, सैकड़े की जमा करें, वहां सैकड़े के मुकाम पर देखो पांच लिखे हैं और नीचे के नीचे भी पांच लिखे हैं। आप लोग पहले पांच उंगलियां निकालिए अपनी, फिर दूसरे हाथ की पांच उंगलियां निकालिए, पांच, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस। चलो हमने दस जवाब लिख दिए ना, नहीं दस जवाब नहीं लिखना है। आप अक्सर आप लोग तीसरी जमात में बहुत से बच्चे हासिल का मिलाना भूल जाते थे, लेकिन नहीं भूलना है, पाँच और पाँच दस, दस में हासिल का एक मिलाया बेटा तो वो हो गए ग्यारह। हमारा ये पहला हिसाब हल हुआ लैसी का। अब हम आपको बताएंगे कि देखो इकाई की जगह बेटा यहाँ पर दो लिखे हैं, दहाई की जगह एक, सैकड़े की जगह एक और हजार की जगह भी एक। अब हम पूरा जवाब आपको पढ़कर बताएंगे कि हमारा जवाब कितना आया, एक हजार एक सौ बारह, एक हजार एक सौ बारह। अब इसी तरह हम दूसरे हिसाब की तरह बढ़ेंगे बेटा, ये भी इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ठीक है, और ये जो बॉक्स दिए हुए हैं इसमें अपने को हासिल का लिखना है ताकि अपने को भी अपन भी भूले ना और ध्यान में रहे, अपना हिसाब भी गलत ना हो। चलिए दो, दो में हमको नौ जमा करना है बेटा। अब अकेले खींचना है ये तो पहले उसे छोटे बच्चे करते हैं, लेकिन हमने आपको उंगलियों पर करना सिखाया। फटक से अपनी दो उंगलियां निकाले और नौ, ठीक है, दस ग्यारह, ग्यारह जवाब आ गया हमारा, तो क्या हम ग्यारह के ग्यारह लिखेंगे, नहीं, ग्यारह का एक लिखेंगे यहाँ और हासिल का हमारा एक यहाँ पर लिखेंगे हम, ताकि हमको भी याद रह सके। ये हो गई हमारी इकाई की जमा बेटा। अब हम दहाई की तरफ बढ़ने वाले हैं, दहाई में चार है और नीचे के सत्रह में सात है, चार में सात जमा करना है, आठ नौ दस और दो बारह जवाब आएगा, बारह बारह दो यहाँ लिखेंगे और हासिल का एक हमारा यहाँ आएगा, ओके बेटा। अब इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़े की तरफ हम बढ़ने वाले हैं बेटा। अब हम सैकड़े की जमा करेंगे, ये देखो सैकड़े के मुकाम पर यहाँ पर छह लिखी हुई है और यहाँ पर एक लिखा हुआ है, लिखा आपको छह में एक मिलाया हमारा जवाब आ गया सात, लेकिन जब तक हम यह हासिल का एक नहीं मिलाएंगे इसमें हमारा जवाब सही नहीं होगा। हासिल का एक मिलाएंगे बेटा तो हमारा जवाब होगा आठ, जो हमने यहाँ पर लिख दी, हो गया। अब सैकड़े की भी जमा हो गया, हम हजार की तरफ पढ़ने वाले हैं बेटा। हजार के मुकाम पर पाँच है और नीचे चार है, पाँच में चार जमा करें नौ, ये हमारा दूसरा हिसाब होगा। अब हम इसका जवाब कितना आया आपको पढ़कर बताएंगे। देखो बेटा इकाई की जगह एक है, दहाई की जगह दो है, सैकड़े की जगह आठ है और हजार की जगह नौ है। अब हम आपको पूरा जवाब पढ़कर
आया हल करने के बाद 9821 9821 ये हमारा जवाब आया। अब चलिए हम तीसरे हिसाब की तरफ बढ़ेंगे बेटा। ये हम आपको मश्क के लिए बता रहे हैं ताकि आपको ध्यान से, जब तक आप ध्यान से एग्जाम नहीं सीखेंगे आप हल नहीं कर सकेंगे। चलिए अब हम तीसरे हिसाब की तरफ बढ़ रहे हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये जो बॉक्स हमने पहले भी आपको बता दिए कि इसमें हमको हासिल का जो आएगा वो भी लिखना है बेटा। अब हम इकाई की जमा की तरफ पढ़ने वाले हैं। देखो इकाई पाँच लिखा दिखाई दिया आपको, फिर तीन, पाँच में तीन जमा करना है। पाँच, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ आ गया हमारा आठ जवाब। हमने यहाँ पर आठ जवाब लिया, हो गई हमारी इकाई की जमा। अब हम दहाई की तरफ पढ़ने वाले हैं बेटा। दहाई के देखो यहाँ इसको काम पर आठ लिखे हुए हैं और यहाँ पर चार लिखे हुए हैं। आठ में हमको चार जमा करना है। अब पहले पहले फिर में लाइन खींचते थे, इन नुकतों से होता था अपना ऐसा ऐसा करके, लेकिन नहीं, जैसे जैसे अपन बड़ी क्लास में बढ़ते चले जाते हैं अपने को फौरन समझना चाहिए, उंगलियों पर गिनकर या वैसे भी गिनती के बाद से शुरू करना है। नौ, दस, आठ के बाद से चार मिलाना है, नौ, दस, ग्यारह, बारह। बारह से हमने यहाँ बेटा दो लिख दी है, हमारा हासिल का एक आस। अब चलिए होगी हमारी दहाई की जमा बेटा। सैकड़े की जमा की तरफ हम लोग बढ़ने वाले हैं। ये है सात, सात में हमको पांच जमा करना है, सात में हमको पांच जमा करना है। सात के बाद से गिनना शुरू करेंगे, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, बारह। लेकिन नहीं, जब तक हम हासिल का एक नहीं मिलाएंगे हमारा जवाब सही नहीं होगा। बारह में हासिल का एक मिलाएंगे बेटा तो वो रहेगा तेरह, तेरह के तीन और हासिल का आया हमारा एक। ये हो गई हमारी सैकड़े की जमा बेटा। अब हजार की तरफ हम लोग बढ़ने वाले हैं। देखो बेटा ये छः है और ये एक है, छः में एक मिलाए छः, सात। क्या मैं यहाँ सात लिख दूंगी? नहीं, जब तक हम उसमें हासिल का एक नहीं मिलाएंगे, सात और एक हासिल का मिलाएगा उसका जवाब आएगा आठ। यहाँ हमने आठ लिख दी, ये हो गई हमारी जवाब। अब इसका जवाब हम पढ़कर बताएंगे, 8328 8328 ये हो गया हमारा तीनों हिसाब। हमने आपको मश्क के तौर पर हल करके बताए। अब आराम से आपको हिसाब की एक लाइन वाली बुक में तीनों हिसाब आराम से समझ समझ कर हल करना है। इसका जवाब नहीं देखना है आप, पहले पेंसिल से ये बनाइए पूरा, पेंसिल ये लिखिए जवाब पेंसिल से, उसके बाद हम आपको घर काम दे रहे हैं बेटा। पेज नंबर 19 पर के तीन हिसाब है जमा कीजिए। पेज नंबर 19 पर तीन हिसाब दिए हुए हैं आपके, जमा कीजिए। ये आपको हर काम के तौर पर हमको हल कर होमवर्क के तौर पर हमको सेंड करना है।